टॉपिक है आपका रे डायग्राम फॉर स्फेरिकल वेव, मतलब कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। उसका रे डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि किसी भी स्फेरिकल मिरर से जो इमेज फॉर्म करेगा वो कहाँ पर फॉर्म करेगा, कैसा नेचर होगा उसका, मैग्निफिकेशन क्या होगा, साइज क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तीन टाइप का मिरर पढ़े थे, है ना। एक है आपका प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज का इमेज भी होगा, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा ना। तो वो ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज भी इतना ही बड़ा है। जब ऑब्जेक्ट इतना है इमेज भी यही है तो ये सेम साइज हो गया दोनों का। तो या तो ये ना तो ये इसको बड़ा करके दिखा रहा है ना तो ये इसको छोटा करके दिखा रहा है, तो इसका मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा वन। मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा वन। जब कोई मिरर है ना, कोई मिरर अगर जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का अगर बना कर दे रहा है तो उस कंडीशन में मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा वन, यूनिटी, ठीक है। उसके बाद प्लेन मिरर का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये था कि वो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा मिरर से वही होगा उसका इमेज डिस्टेंस। अगर मान लीजिए कि ये मिरर है और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखे जो कि 10 मीटर पे है तो इसका इमेज भी इस मिरर से कितना डिस्टेंस पर बनेगा 10 मीटर। तो ये प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें कुछ होता है ना, ये क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज है नहीं, ठीक है। जितना साइज इसका होगा उतना ही साइज इसका होगा, जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना ही डिस्टेंस इसका होगा, ये प्लेन मिरर का। अब जो टॉपिक है आपका वो ये है, प्लेन मिरर हो गया और टॉपिक है आपका स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर कितना है, दो, एक है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। तो इमेज कैसे ड्रॉ करेंगे उसके लिए हम लोग एक कुछ रूल्स है जिसको हम लोग समझेंगे। जैसे रूल्स क्या है देखिए, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फ्रॉम कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग पहले स्टडी करें तो रूल्स क्या क्या है देखिए। पहला रूल ये है कि कोई भी, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, कोई भी पैरेलल रेस आएगा और रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, ठीक है। ये पहला रूल है कि कोई भी लाइट रेस अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है देखिए, सेकेंड रूल है इसका जस्ट अपोजिट। फॉर फोकस सेंटर ऑफ द रे, दूसरा इसका जस्ट अपोजिट क्या है देखिए कि अगर कोई फोकस से पास करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसमें ये है कि पैरेलल आया, रिफ्लेक्ट किया और फोकस से पास कर गया। इसमें है फोकस से आया, रिफ्लेक्ट किया और पैरेलल, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गया। तीसरा क्या है देखा, ये है कि अगर कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो उसी पाथ पर क्या होगा, वापस चला जाएगा। तो ये तीन रूल समझ में आया, ठीक है। चौथा रूल देखते हैं, तो
चौथा रूल ये है कि अगर कोई लाइट रेज पोल पर है ना, अगर कोई लाइट रेज आया और पोल पर स्ट्राइक करता, तो जितना एंगल इंसिडेंस बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाकर वो क्या होगा, वापस चला जाएगा। तो ये चार चार रूल है जिसको हम लोग यूज करेंगे इमेज फॉर्म करने के। ठीक है, ये चारों रूल समझ में आ गया। पहला क्या है कि अगर पैरेलल आता है तो टकराने के बाद फोकस से निकल जाएगा। दूसरा ये है कि अगर फोकस से आता है तो टकराने के बाद पैरेलल चला जाएगा। तीसरा ये है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो उसी पाथ में वापस लौट जाएगा। और चौथा ये है कि अगर कोई लाइट रेज पोल पर स्ट्राइक करेगा तो जितना एंगल आई बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उतना ही एंगल आर बनाकर वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ये चार रूल समझ में आ गया। अब हम लोग इस चारों रूल्स को फॉलो करेंगे और इमेज फॉर्म करेंगे अलग अलग पोजीशन पे। तो सबसे पहले देखो इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, फर्स्ट हम लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हम, पोल और फोकस के बीच में प्लेस करेंगे, पोल और फोकस के बीच में। तो रे डायग्राम के लिए सबसे पहले हम कंकेव मिरर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये कंकेव मिरर हो गया और ये जो हम डिजाइन दे रहे हैं ये बता रहा है कि इधर हमारा पॉलिश सरफेस है और इधर वाला अंदर वाला रिफ्लेक्ट है। ये प्रिंसिपल एक्सिस पोल, पोल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, पोल और फोकस के बीच में। तो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये ए बी, इसका नाम रख दिया आप ए बी, और इसको ठीक पोल और फोकस के बीच में हम प्लेस कर दिए। ठीक है, अब इस चार में से आपका जो दिल करे उसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये चार रूल है, इस चारों रूल में से जो दिल करे वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये वाला ले लेते हैं, ईजी है। तो याद कीजिए, बताए थे कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग कितना लाइट रेज लेते हैं, कितने लाइट रेज लेते हैं, दो है ना, ले सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा जब लीजिएगा तो फिगर आपका एकदम गंदा हो जाएगा, फिर आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा कि क्या बन रहा है। लेकिन जब हम दो लेंगे तो दो मिनिमम दो लेना, तो दो में पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन लाइट रेज कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ आ रहा है और इमेज कैसे फॉर्म करता है। तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट रख दिए पोल और फोकस के बीच में। पहला वाला ये कहता है कि अगर पैरेलल गया तो कहाँ से पास करेगा, फोकस से। तो हम यहाँ पर एक लाइट रेज इस एंड से भेजते हैं पैरेलल और वो रिफ्लेक्ट हो जाता है कहाँ से, फोकस से, रिफ्लेक्ट बैक हो गया फोकस से। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं, दूसरा ये वाला ले लीजिए। ठीक है, दूसरा ये वाला लेते हैं। तो देखिए लाइट रेज जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये इसी पाथ पे लौट आता है। अब देखिए इमेज वहां फॉर्म करता है जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट होता है। इमेज वहां पे फॉर्म करेगा जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, इंटरसेक्ट। तो क्या ये रिफ्लेक्टेड रे इनसे इंटरसेक्ट करेगा, ये तो डाइवर्स हो रहा है, डाइवर्स हो रहा है मतलब ये इस साइड को कभी नहीं मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे। तो पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस को हम थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं। अब इसको जब हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये जो पीछे प्रोड्यूस कर रहे हैं ये एक्चुअल नहीं है, ये क्या है, वर्चुअल है, इमेजनरी है। तो इमेजनरी को हम लोग सॉलिड लाइन से दिखाते हैं या डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन। तो हम यहाँ पे डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे डॉटेड लाइन से इसको एक्सटेंड कर दिए। ये वाला जो है इसको भी हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर। अब देखिए दोनों कहाँ पे मिला, इस पॉइंट पर।
अब इस पॉइंट से हम प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो लाइन मिला है यही आपका इमेज है किसका, ए बी का, तो इसका नाम दे दिए हम ए डैश ए डैश। बात समझ में, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज है। इमेज बड़ा बना या छोटा बना, बड़ा बना, मतलब ये हुआ कि अगर कंकेव मिरर हमको दिया जाएगा और हम उसे यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट को रखेंगे कि किसके बीच में, पोल और फोकस के बीच में, तो आपका इमेज कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। दूसरा चीज देखिए, डॉटेड लाइन क्या देखा था, वर्चुअल या ये एक्चुअल, वर्चुअल इसका मतलब कि इमेज कैसा बना, वर्चुअल। तो हम अब इस ये जो इमेज फॉर्म हुआ है, इस इमेज के नेचर को, पोजीशन को और इसके मैग्निफिकेशन को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि इमेज बना है कैसा, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, सीधा होगा, इसलिए हम एक और वर्ड यूज करेंगे इरेक्ट। बात समझ में आ रहा है, इमेज कैसा है वर्चुअल, कैसे पता वर्चुअल है, क्योंकि डॉटेड लाइन। दूसरा, ये सीधा खड़ा है दिख रहा है, इसमें ये क्या होगा इरेक्ट। दूसरा चीज देखिए, वर्चुअल है इरेक्ट, उसके बाद बल कहां पे रहा है, मिरर के पीछे बल रहा है, इसलिए हम लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। तीसरा चीज की कैसा बन रहा है, साइज इसका क्या है, तो साइज बड़ा है, तो बड़ा को हम लिखेंगे इनलार्ज, कैसा बना, इनलार्ज बना। तो ये पहला पोजीशन है कि जब हम आपके बीच में रखें तो इमेज बना है वर्चुअल, इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर, और क्या बना है इनलार्ज, मतलब कि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो होगा, मैग्निफाई करके दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट के एक्चुअल साइज से बड़ा करके दिखा रहा है, तो मैग्निफाई कर रहा है, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या होगा, वन होगा, वन से कम होगा या वन से ज्यादा होगा, वन से ज्यादा। बात समझ में आए, ठीक है, तो ये एक पोजीशन हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट को ये पोल और फोकस के बीच में आप यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहीं भी रखिए, पोल और फोकस के बीच में आप कहीं भी रखिएगा, यही रिजल्ट आपको मिलेगा। अब सेकेंड पोजिशन क्या है इसका, फोकस, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट को किसका आकर कहाँ रखेंगे, फोकस में रखेंगे, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहां पर, फोकस ये हो गया ए बी, ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट हो गया जिसका पोजीशन कहां पर है, ठीक फोकस पर। अब इसको हम यहां से इस चारों में से फिर से हम कोई भी यूज पहला वाला लेंगे, तो देखिए पैरेलल जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, तो ये पहला रे डायग्राम हो गया। दूसरा रे भी ड्रॉ करना है तो कोई भी ले सकते हैं, तो दूसरा लेंगे तो फिर से यही वाला ले लेते हैं, देखो ये इस पाथ पे जाएगा और वापस लौट आएगा, ये आपको पैरेलल दिख रहा है। पैरेलल दिखने का मतलब ये है कि ये यहां पे मीट नहीं करने वाला, ठीक है, इसको अगर हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये भी नहीं क्लियर होगा कि आगे मीट करेगा, क्योंकि दोनों लाइट रेस क्या हो गया, पैरेलल हो गया। लेकिन याद कीजिए एक चीज, कहे थे कि पैरेलल रेस कहां से आता है, इंफिनिटी से आता है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों पैरेलल रेस कहां पर जाके मीट करेगा, इंफिनिटी पर, मतलब कि ऑब्जेक्ट का इमेज कहां फॉर्म करेगा, इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो इमेज कहां पे बनेगा, इंफिनिटी पे बनेगा। तो अब हम ये तीन बात फिर से इसके लिए भी लिखेंगे, तो पहला बात ये है कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो रियल है या वर्चुअल है, रियल है, रियल क्यों है, वर्चुअल के लिए डॉटेड लाइन यूज करते हैं, यहाँ पे सॉलिड लाइन है और ये जाकर इंफिनिटी पे मिलेगा, तो
तो सॉलिड लाइन इस बात का सबूत है कि इमेज कैसा बनेगा, लियर, ठीक है। तो इमेज बनेगा आपका लियर, और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इनवर्टेड। रियल इमेज हमेशा कैसा होगा, इनवर्टेड। तो रियल एंड इनवर्टेड डिग्री। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होगा, इरेक्ट होगा, तो वर्चुअल है। दूसरा चीज देखिए, दूसरा बात क्या था कि ये बन कहां पे आया, तो यहां पे बिहाइंड मिरर लिखे थे। ये कहां पे बनेगा, इंफिनिटी पे बनेगा, तो लिख देंगे एट इंफिनिटी, कहां पर फॉर्म होगा इमेज, इंफिनिटी पर। तीसरा मैग्निफिकेशन, मतलब कि साइज कैसा होगा, तो साइज होगा हाईली मैग्निफाइड। हाईली मैग्निफाइड कहने का मतलब यह है कि काफी बड़ा इमेज फॉर्म करेगा। बात समझ में आया, तो ये दूसरा है। जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे, फोकस पे रखे, ठीक है। तो जब भी आप रे डायग्राम बनाइएगा, तो ये रूल्स आपके दिमाग में होने चाहिए कि इसी से इमेज फॉर्म करना है। उसके बाद जैसे ही इमेज फॉर्म होगा, तो आपको ये तीनों बात उसके बारे में देखना है। बात समझ में आ रहा है। और एक चीज और, कि इस चीज को अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं, ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपसे इजीली बनेगा, एकदम इजीली बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि जैसे ही आप देखिएगा, कहेगा कि कोई कंकेव मिरर है, उसका फोकल लेंथ इतना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहता है कि फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 5 सेंटीमीटर, तो बताइए आप कि भी कितना होगा और मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो अब आप देख लीजिए कि ये किसके लिए दिया है, कंकेव मिरर के लिए। किसके लिए दिया है, कंकेव मिरर के लिए। अब कंकेव मिरर का एफ देखिए, एफ दिया है कितना, 10, यू कितना दिया, 5। तो इससे साफ पता चल रहा है कि आप ऑब्जेक्ट कहां प्लेस कर रहे हैं, बिटवीन पोल एंड फोकस, एकदम पता चल रहा है। क्योंकि 10 से कम है ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये 10 से कम है। इसका मतलब कि आप ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, पोल और फोकस के बीच में। तो जैसे ही आपके दिमाग में बात आया कि ऑब्जेक्ट आप रख रहे हैं पोल और फोकस के बीच में, ये सारा बात दिमाग में आएगा। इसका मतलब कि भी कितना होगा, तो भी इस साइड बनेगा, भी इधर होगा, और साइन कन्वेंशन से ये डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव। तो भी का साइन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। दूसरा चीज की मैग्निफिकेशन कितना आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। तो आप क्वेश्चन को पढ़ते ही आप उसका जवाब पता कर लीजिए और फिर उसके बाद सॉल्व कीजिए। अगर आपके जवाब से टैली नहीं कर रहा, इसका मतलब कि कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ है। बात समझ में आया। तो रे डायग्राम ये जो है, ये इससे ये अगर दिमाग में समझ जाए, न्यूमेरिकल एकदम इजीली सॉल्व होता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पीछे लेंगे और कहां पर इसको डालेंगे, फोकस हो गया है, अब इसको पुट करेंगे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। ऑब्जेक्ट हो गया AB, ठीक है। फिर से कोई भी ले सकते हैं, तो पहला वाला ले लेते हैं, पैरेलल जाएगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा, पैरेलल गया और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास कर रहा है, फोकस। दूसरा देखिए, दूसरा हम कोई भी ले सकते हैं, सी वाला यहां पर अगर आप लीजिएगा, तो ये थोड़ा ज्यादा नजदीक है, तो हो सकता है कि ये मिरर से बाहर चला जाए, इसलिए हम इसमें ले लेते हैं ये वाला। इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट ये है, उसको ले लेते हैं कि फोकस से पास करेगा, ठीक है। ये है ना, फोकस से पास किया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल, और दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कहां पे मीट करता है, यहां पर। तो ये हो गया बी डैश ए डैश, है ना, बी डैश नीचे ए डैश, और ये हो गया बी डैश। अब देखिए इमेज कैसा बना, इमेज कैसा बना, रियल या वर्चुअल, रियल सॉलिड लाइन है इसलिए रियल, रियल। और रियल कैसा होता है, रियल हमेशा इनवर्टेड होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, ऑब्जेक्ट से ये बन कहां पर आया, तो सी से आगे बन रहा है, इसलिए लिखेंगे बियॉन्ड सी, सी कहां से कहां, क्या लिखेंगे, बियॉन्ड सी। तीसरा चीज देखिए, साइज कैसा है उसका, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए सिर्फ हम लिखेंगे इनलार्ज।
ठीक है, तो ये इमेज फॉर्म करेगा जब हम रखेंगे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के, ठीक है, इतना बात समझ में। अब ऑब्जेक्ट को मतलब कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में यहाँ रखिए या यहाँ रखिए, कहीं भी रखिए, इमेज आपको ऐसा ही फॉर्म करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे ठीक किसके ऊपर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, ठीक है, तब क्या होगा देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर से हम इस चारों में से कोई भी ले सकते हैं, तो पहला वाला पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ग्लास से फोकस से, ठीक है, फोकस से पास करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं इसका जस्ट अपोजिट ये वाला, तो फोकस से जब पास करेगा आपका रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, ये आया और पैरेलल हो गया। अब देखिए इमेज कहाँ बना, ए डैश बी डैश, ठीक है, इमेज कहाँ पे बना, है ना, सी पर बना। तो इसका आप नेचर लिख देंगे, पहला चीज कि ये रियल है या इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड इन्वर्टेड, ठीक है, कहाँ पे बन रहा है, तो एंड सी कैसा बन रहा है, तो सेम साइज कैसा बनेगा, सेम साइज, बात समझ रहा है, ठीक है। अब एक और ऑब्जेक्ट को आप सी से किधर रखेंगे, इस तरफ मतलब कि सी से आगे प्लेस करते हैं, तब क्या होता है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी इज बियॉन्ड सी, सी से आगे रखिए। अब देखिए पैरेलल रेज कहाँ से पास करेगा, फोकस से, ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं सी वाला, सी एंड एफ, दोनों कहाँ पर मीट किया, यहाँ पर बिटवीन फोकस एंड सेंटर, ये ऑब्जेक्ट था ए बी, ये हो गया ए डैश बी डैश ए डैश और ये हो गया बी डैश, तो इसका हम लोग लिख लेंगे रियल इन्वर्टेड, रियल एंड बिटवीन सी एंड एफ, कहाँ पे फॉर्म किया, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ, और तीसरा कैसा बना है, तो स्मॉल ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन बी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक आखिरी और है, ठीक है, लास्ट वाला क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहाँ पर, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, ठीक है, तो इन्फिनिटी पर जब रखेंगे तो ये मिरर हो गया आपका कंकेव मिरर, कोन एफ सी, इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आएगा, ठीक है, यहाँ से भी आएगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे मीट करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे मीट करेगा, फोकस। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कि ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, कहाँ पे फॉर्म करेगा इमेज एट फोकस, और तीसरा चीज कैसा बनेगा, तो हाईली इनलार्ज्ड, डिक्रीज्ड कहने का मतलब ये है कि बहुत छोटा बनेगा, बात समझ रहे हैं। ये छह चीज है, छह पोजीशन है जिस पर हम ऑब्जेक्ट को, है ना, बारी बारी से रखेंगे और अलग अलग जगह पर हमको अलग अलग टाइप का इमेज फॉर्म, है ना, मिलेगा। देखिए अब इस पूरे से आप क्या निकाल सकते हैं, इसका अगर कंक्लूजन निकालिए तो ये निकलेगा कि कंकेव मिरर एक ही पॉइंट पर वर्चुअल बनाता है, लेकिन बनाता है एक ही पॉइंट पर वर्चुअल बनाएगा, बाद बाकी सब जगह रियल बना रहा है, और वो पॉइंट क्या है, जब हम कोर और फोकस के बीच में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कि जब इतना बात आप समझ जाइएगा, तो न्यूमेरिकल अगर आए कि कोई कंकेव मिरर है, उसका इफ दिया है और फोकल लेंथ दिया हुआ है और उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, तो आप पता कर सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए एफ अगर कम दिया होगा, एफ दिया है और उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एफ से कम दिया है, मतलब कि ये वाला कंडीशन,
है ना, अगर एफ है उससे थोड़ा सा ज्यादा दिया है, यू जो है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो थोड़ा सा ज्यादा दिया है, तो थोड़ा सा ज्यादा में कौन सा कंडीशन आ जाएगा, ये वाला है ना। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पूरा बात था इसके लिए, कंसीव मिरर के लिए, ठीक है। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे आपका कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो जो रूल्स हैं उस रूल्स को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसमें उतना केस नहीं, इसमें बस दो कंडीशन है जिसपे हम लोग कन्वेक्स मिरर के लिए काम करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि कोई भी, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये कन्वेक्स मिरर है, कोई भी लाइट रेज पैरेलल आएगा तो कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। तो ये पैरेलल रेज को डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। लेकिन जब हम इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे इमेजिन करके, तो ऐसा लगता है कि ये कहाँ से पास कर रहा है, फोकस से। बात समझ में आया, ये डॉटेड लाइन ये बताएगा कि कन्वेक्स मिरर के लिए फोकस कैसा है, वर्चुअल। सेकंड, इसका जस्ट अपोजिट, अगर कोई लाइट रेज डाइवर्ज होके आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा, तो ऐसा लगेगा कि ये कहाँ पर मिलने वाला है, फोकस पर मिलने वाला है, ठीक है। तीसरा ये है, ये दूसरा, तीसरा ये है कि अगर कोई लाइट रेज नॉर्मली आया तो वो उसी पाथ पे क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, और ऐसा लगेगा कि वो कहाँ पे जाके मिलने वाला है, सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो ये है कि अगर कोई लाइट रेज पोल पर स्ट्राइक करेगा तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाकर वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, ठीक है। तो ये चार रूल्स है, फोर रूल्स, पैरेलल आया तो डाइवर्ज हो जाएगा, पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे, डाइवर्ज होके आएगा तो पैरेलल हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, ऐसा लगेगा कहाँ पे जा रहा है, ये फोकस पे, ठीक है। नेक्स्ट वाला, अगर कोई नॉर्मली आया तो वो कहाँ पे मिलेगा, नॉर्मली आया तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, लेकिन डॉटेड लाइन ये बता रहा है कि वो ऐसा लगेगा कि कहाँ पे मिलने वाला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर कोई पोल पर स्ट्राइक करता है एंगल आई बनाकर, तो एंगल आर बनाकर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार रूल्स है। अब देखिए कि यहाँ पर पहला वाला जो कंडीशन है इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन के लिए पहला कंडीशन क्या है, देखिए, एट इन्फिनिटी, कहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर रहे हैं, इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो ये आपका कन्वेक्स मिरर हो गया, ये पोल, ठीक है। इन्फिनिटी से पैरेलल, इन्फिनिटी से जो रेज आएंगे वो कैसे होंगे, पैरेलल, तो ये पैरेलल लाइट रेज आ रहा है इन्फिनिटी से, और आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज होगा कि कन्वर्ज होगा, डाइवर्ज हो जाएगा, तो ये डाइवर्ज हो गया, ये इधर डाइवर्ज हो गया। लेकिन दोनों को जब हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो कहाँ पे मिलेगा, दोनों फोकस पे मिलेगा, मतलब कि इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। तो इसके लिए हम नेचर लिख सकते हैं, पहला डॉटेड लाइन क्या बता रहा है कि इमेज कैसा है, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज कैसा होगा, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड, वर्चुअल एंड इरेक्ट सेकेंड क्या है कि कहाँ पे बन रहा है, तो एट फोकस पे। और थर्ड क्या है कि कहाँ पे ये थर्ड कैसा बनेगा, तो डिमिनिश्ड कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, ठीक है, डिमिनिश्ड। नेक्स्ट क्या है इसका, देखिए, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, अब हम कहीं पर भी इसको प्लेस करेंगे, किसके बीच में, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, तो हम यहाँ पर प्लेस्ड कर देते हैं ऑब्जेक्ट को, ये हो गया ए बी, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, ठीक है, ये पोल हो गया, ये एफ और ये सी। ये वाला कंडीशन ले लेते हैं, पैरेलल रेज आएगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा, तो इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये कहाँ पे मिलेगा, एफ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये
नॉर्मली गया है तो नॉर्मली रिफ्लेक्ट बैक भी होगा, इसको जब पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये कहाँ पे मिलेगा, सी पर, तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, इसलिए ए बी का इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। डॉटेड लाइन ये बता रहा है कि इमेज कैसा है, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होगा, इरेक्ट होगा। सेकेंड कैसा, ये कहाँ पर बन रहा है, तो बिटवीन पोल एंड फोकस। थर्ड कैसा बन रहा है, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। अब देखिए कि दो मिरर ऐसा है जो कभी रियल इमेज फॉर्म नहीं करेगा, एक तो है आपका प्लेन मिरर और दूसरा मिरर कौन है, कन्वेक्स मिरर। देखिए फोकस ये तो दो मिरर ऐसा है जो कभी रियल इमेज फॉर्म नहीं करता है, लेकिन कनकेव मिरर है जो रियल इमेज फॉर्म करेगा, और वर्चुअल भी। वर्चुअल कहाँ पर, जब उसको पोल और फोकस के उसमें, उसके लिए पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तब। अब एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पर एफ फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों पोल के इस साइड है, तो दोनों का साइन कन्वेंशन से दोनों का जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कनकेव के लिए सब इस साइड आ रहा था, इसलिए साइन कन्वेंशन से कनकेव के लिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव और कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए।